हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्टेंसेस की, ग्रेड 6 सीबीएसई से। जब तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो जो ओनली मींस था ट्रांसपोर्टेशन का वो था वॉकिंग। अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो लोग जो है एनिमल्स का सहारा लेते थे, जैसे डोंकीज हैं, हॉर्सेज हैं, म्यूल्स हो गए, एलिफेंट्स हैं, ऑक्सन हैं, स्लेश डॉग्स हैं, या इवन बिजन। बोट्स का इस्तेमाल किया जाता था अगर हमें वाटर पर ट्रांसपोर्टेशन करना है। जो पहले बोट्स इस्तेमाल करी जाती थी वो खाली सिंपल लॉग्स होते थे वुड के, जिनकी हॉलो कैविटी होती थी बीच में। सबसे पुराना व्हील जो है वो डिस्कवर किया गया था मेसोपोटामिया में, और उसको ये माना जाता है कि लगभग 5,500 ईयर्स पुरानी बात हो गई है। जो फिक्स्ड व्हील होते हैं कार्ट के, उनको इन्वेंट किया गया अराउंड 3,500 BC में अपने कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। जब व्हील का इन्वेंशन हो गया उसके बाद लोगों ने जो है एनिमल्स का इस्तेमाल किया कि जो व्हीकल्स व्हील पर मूव कर रही हैं अब उनको वो पुल करें, जैसे कि बुलक कार्ट्स हैं और चैरियट्स हैं, तब वो एग्जिस्टेंस में आए। 19th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो खाली एनिमल्स के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे, यानी एनिमल्स के लिए ही हम कर सकते थे इस्तेमाल। द बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड इन द लेट 18th सेंचुरी बाइसिकल्स। अब ये जो बाइसिकल है इसका इन्वेंशन लेट 18th सेंचुरी में हुआ था। जो सबसे पहली बाइसिकल जो है उसमें ब्रेक नहीं थे, ये राइडर के ऊपर था कि वो कैसे जो है बाइसिकल की स्पीड को कंट्रोल करता है। फिर धीरे धीरे मोटर फिटेड बाइसिकल्स आने लग गई, फिर मोपेड्स आ गई, धीरे धीरे और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन्वेंशन हो गया मोटर कार का। जब स्टीम इंजन और रेल रोड का इन्वेंशन हुआ 19th सेंचुरी में, उसके बाद से मोटराइज्ड बोट्स हैं, शिप्स हैं, इनका भी इस्तेमाल होने लग गया वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। अब रोड्स, रेल रोड और वाटर ये जो है मेजर मींस रहे हमारे ट्रांसपोर्ट के काफी लंबे समय तक। फिर राइट ब्रदर्स ने जो है एयरप्लेन को जो है उसको इन्वेंट किया और दुनिया को एक और नया मींस दिया ट्रांसपोर्ट का, एयरवेज। अब उनकी जो कोशिश की थी कि जो यूनिवर्स है उसको एक्सप्लोर कर सकें, तो उस वजह से मैन ने जो है उस स्पेस में भी कवर स्टेप रखा और स्पेसशिप का इन्वेंशन किया ताकि वो ट्रेवल कर सके स्पेस के अंदर। तो बहुत सारे मींस है ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि रोड, रेल, वाटर और एयरवेज। जो भी ट्रांसपोर्ट का मोड हम चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, पर कई बार ये भी हो जाता है कि हमें अपनी डेस्टिनेशन जो है उस पर कितनी तेजी से पहुंचना है। अब आती है बात लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने की। बहुत सारे अलग अलग मींस है मेजरमेंट्स के, जैसे कि हम पाम का इस्तेमाल करते हैं, फिंगर का, आर्म लेंथ का, फीट का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था लेंथ और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जब तक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। स्टैंडर्ड जो है इसलिए जरूरी होते हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी जा सकती है और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट हो सकता है। बहुत सारे सिस्टम्स डिवाइस किए गए पर अब जो है पूरी दुनिया जो है वो मैट्रिक सिस्टम को फॉलो कर रही है। जो बेस मेजरमेंट पिरामिड का था वो क्यूबिट था, जिसको कि फॉर्मुलेट किया गया इजिप्शियंस द्वारा। क्यूबिट जो है वो आर्म पे मेजर किया जाता था, मतलब हमारी एल्बो एंड से टिप ऑफ द मिडिल फिंगर तक। एक क्यूबिट जो है लगभग 18 इंच के बराबर था, और ये जो इंच है इसका इन्वेंशन रोमन्स द्वारा किया गया था। अब मेजरमेंट में कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए फ्रेंच ने जो है 1970 में मैट्रिक सिस्टम को क्रिएट किया, जिसको कि एक स्टैंडर्ड माना गया मेजरमेंट का। फिर फॉर डेवलपमेंट होने लग गए ताकि ये जो मेजरमेंट है लेंथ और डिस्टेंस की, इसमें और ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आए, या और बाकी क्वांटिटीज में जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट था उसको नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या SI। अब ये जो SI यूनिट ऑफ लेंथ है ये मीटर है, और इसको डिनोट करते हैं हम एक छोटे से लेटर M से। इसे हम कहते हैं ये लेंथ का बेसिक यूनिट है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, या कह सकते हो 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर होता है। बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो है उनको किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है, इसलिए एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है। जो लेंथ और जो टाइप है ऑब्जेक्ट की वो बताती है कि किस तरह के मेजरिंग टूल की जरूरत हो सकती है हमें मेजर करने के लिए डिस्टेंस को। तो ये थी हमारी समरी चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्टेंसेस की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। Bye.